नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है, भारत की रक्षा से रिलेटेड। हाँ दोस्तों, बता दें कि आज भारत के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज भारत ने एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है जो भारत के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच है। हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ BMD मिसाइल की, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि कोई देश हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अगर हमला करना चाहता है तो अब उसको रोकने के लिए हमारे पास एक ऐसी मिसाइल आ गई है जिसको हम अपनी सीमाओं पे अपने तैनात कर देंगे, अपने देश की सीमाओं पे। और ये सामने वाले कंट्री की तरफ से जो दुश्मन देश है हमारा, वो जो मार रहा होगा हमारे ऊपर मिसाइल, तो ये उसको इंटरसेप्ट करेगी और मार देगी। तो ये वो मिसाइल है। तो दोस्तों, आपको बता दें पूरी न्यूज तो कि इसका जो परीक्षण किया गया है वो उड़ीसा प्रदेश के बालासोर ज़िले के एक वहाँ पर अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया। आप इसको परीक्षण करने से पहले वहाँ के 10 गांवों को खाली करा लिया गया था और 10 गांवों के जो रहने वाले लोग थे उनकी संख्या 10,581 बताई जा रही है। हालांकि ये जो लोग वहाँ पर इकट्ठा करके हटाए गए हैं दूसरे स्थान पे, सुरक्षित स्थान पर, उनको इसके लिए मुआवजा भी दिया गया है। जो वयस्क लोग हैं उनको 300 रुपये और जो माइनर है, छोटे बच्चे वगैरह हैं, उनको 150 रुपये, ये पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दिया जा रहा है। तो ये तो थी दोस्तों वो बात। इनको विस्थापित इसलिए करना पड़ा क्योंकि DRDO नहीं चाहती कि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी हो और उसमें कोई मासूम लोगों की जान चली जाए। दोस्तों, अब इस मिसाइल का आखिर फ़ायदा क्या है? दोस्तों, ये जो मिसाइल है हमको 3 लेयर की सुरक्षा देती है। सबसे पहली लेयर जो होती है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है, मतलब अगर हमारे पास कोई मिसाइल 5,000 किलोमीटर की दूर से आ रही है तो ये उसको अटैक करेगी और उसको इंटरसेप्ट करने के बाद मार देगी। ये लॉन्ग रेंज है, 5,000 किलोमीटर। इसके बाद मीडियम रेंज आती है, मीडियम रेंज में 500-700 किलोमीटर से लेकर के 2,000 किलोमीटर तक मीडियम रेंज होती है। इसी मीडियम रेंज की मिसाइल का ही परीक्षण किया गया है। अब दोस्तों, ये जो है एक न्यूक्लियर मिसाइल है, बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल, पृथ्वी 2 इसका नाम है। और इसको पहले लॉन्च किया गया, फिर इसके बाद एक दूसरी मिसाइल को लॉन्च किया गया जिसका नाम है AD-1। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट है, करेगी बैलिस्टिक मिसाइल को। तो ये दोस्तों, इसका भी सफल परीक्षण हो चुका है। तो दोनों चीज़ें अब भारत की जो सेना है उनको जल्दी ही मिल जाएगी ये, क्योंकि भारत की जो वैज्ञानिक हैं DRDO के, उन्होंने ऐसा चमत्कारी काम कर दिया है जो भारत हर भारतीय को गर्व करने पर मजबूर कर देगा। ये वो चीज़ है दोस्तों। अब आपको ये बता दें कि इसमें 3 लेयर होने की वजह से भारत की सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। मान लीजिए कि पहले लेयर की जो सुरक्षा है उसमें कोई मिसहैपनिंग हो गई, वो नहीं इंटरसेप्ट हो पाया, तो दूसरे नंबर की मिसाइल जो है मीडियम रेंज वाली, वो मार देगी अपने टारगेट को। अगर मान लीजिए कि वो भी अगर किसी तरह से फेल हो जाती है तो उसके बाद जो शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल लगी होगी वो उसको मार देगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 2-2, 3-3 मिसाइलें आपकी सभी मिस हो जाएंगी और नहीं पकड़ पाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमने एक ऐसी चीज़ डेवलप कर ली है जो हमको सुरक्षा और ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। आपको बता दें कि ये दुनिया के बहुत ही कम देश हैं जिनके पास ये चीज़ है। एक तो चीज़ दोस्तों ये हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, कल अब जैसे भारत का बजट आया है तो उसमें जो बजट भारत की रक्षा के लिए आया है उसमें अगर देखें तो अभी भी हम $75 बिलियन पे ही हैं, $100 बिलियन भी हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, जबकि टैक्सेस तो कोई ऐसे कम नहीं हुए। तो अगर टैक्सेस हमारे वैसे ही जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास, तो हमारी सुरक्षा के लिए जो डिफेंस का बजट है वो भी बढ़ना चाहिए था, क्योंकि आज नहीं तो कल हमको अपना डिफेंस बजट बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों से हमको फेस करना है। और चाइना का जो बजट है वो बहुत ही ज़्यादा है,
मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी हमको हो सकता है 10 साल लग जाए। और कब ये ऐसा हो पाएगा कि हम एक अच्छे हैंडसम बजट की तरफ जाएं, पता नहीं। दोस्तों ये समझ लीजिए कि जो देश रिसेशन में है, वो भी 100 बिलियन के बजट की बात कर रहे हैं, वो अपना बजट बढ़ा रहे हैं। पोलैंड बढ़ा रहा है, यूके अपना बजट बढ़ा रहा है, 100 बिलियन की तरफ जा रहा है यूके, तो जबकि उसकी इकॉनमी इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं कि हमको अपने सुरक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना है। जबकि यूके के पास कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिससे उसको बहुत ज़्यादा दुख हो, बहुत तकलीफ़ मिल रही हो या दुश्मन हो, जैसे इंडिया के पास पाकिस्तान है, चाइना है, ऐसा यूके के पास कोई नहीं है। तो भारत की जो ये डिफेंस है, ये डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिफेंस बजट है भी उसमें मेजर पोर्शन तो सैनिकों की सैलरी वगैरह में चली जाती है। तो जो एक्चुअल में रिसर्च और जो ख़रीदने की चीज़ है उस पर तो उतना पैसा लग ही नहीं पाता है, तो उसके लिए मेनली भारत को अपना बजट और बढ़ाना चाहिए, और ये करीब 100 बिलियन डॉलर के पास तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको दो फ्रंट से वॉर करनी है, दो फ्रंट से हमको अलर्ट रहना है। तो दोस्तों अब कुछ और अगर अपडेट आता है मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद।